हे गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स ग्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो दोस्तों, नवीनतम पर्यावरण एवं परिस्थिति का नया टॉपिक है ये। करंट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मैं कई एक वीडियो बना चुका हूँ। ये जनवरी 2021 से लेके, यानी कि दिसंबर 2020 से लेके जून 2021 तक का फुल फ्लैग करंट है इसमें दोस्तों। एक भी टॉपिक आपका बियॉन्ड नहीं जाएगा। आप अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या इवन आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आप यूके पीएससी उत्तराखंड का पीसीएस या बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इसको 2 से 3 बार करके जाइएगा, आप 100% अच्छा रिजल्ट पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखो, इससे पहले के वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे या आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, देखो, भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व, इट्स इम्पोर्टेंट। अब तक 50 टाइगर रिजर्व थे, यानी ये समझो अब तक 50 टाइगर रिजर्व हुए हैं इंडिया के। कितने? 50 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के अब तक। ये 2 और बनाए हैं, 51वां टाइगर रिजर्व और 52वां टाइगर रिजर्व। अब 51वां जो टाइगर रिजर्व है, श्री विल्लीपुथूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। कौन सा दोस्तों? श्री विल्लीपुथूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। ये भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, वहीं रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का है। इस इम्पोर्टेंट, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का है। ये भारत का 52वां क्या है? टाइगर रिजर्व। 52वां राजगढ़ कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान दोस्तों। राजस्थान का ये कौन सा है? 4था क्या है? टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रामगढ़ी विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के किस में? बूंदी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है दोस्तों। ठीक है, और ये जो श्री विल्लीपुथूर, ये मदुरै जो ज़िला है तमिलनाडु का, उसमें स्टेट है। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा क्या किए जाते हैं? ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4था वन प्लैनेट सम्मेलन की बात हो रही है, समझो। जैव विविधता संरक्षण में ध्यान देने हेतु जनवरी 2021 में फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से ये हुआ। किसके? UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। यानी कि जैव विविधता 4th वन प्लैनेट सम्मेलन पर की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी पर जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना। इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो COVID-19 महामारी में अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना है। वहीं 2021 में इस तरह का यह 4था सम्मेलन है। पहला सम्मेलन 2017 में पेरिस में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 4था सम्मेलन कहाँ हुआ है? UNO और विश्व बैंक के सहयोग से दोस्तों। ठीक है, 4th वन प्लैनेट सम्मेलन और पहला हुआ था 2017 पेरिस मतलब फ्रांस में दोस्तों। ठीक है, वर्ष 2020 में रामसर स्थल शामिल भारत की महत्वपूर्ण आदिभूमियाँ। 2020 में रामसर स्थल में शामिल, रामसर स्थल में कौन कौन सी भूमि शामिल हुई है? देखो, आदिभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान की रामसर में शामिल हुआ, क्या हुआ? सम्मेलन हुआ 1971 में, और इसके समझौते यानी कि 1975 से ये प्रभावी हुआ। भारत इसमें 1982 में, यानी भारत जो है रामसर साइट में कब? 1982 में शामिल हुआ, 1982 में। विश्व में अब तक 2400 से अधिक रामसर साइट्स हैं। जुलाई 2021 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदिभूमियाँ यानी कि क्या रामसर साइट जो हैं वो कितनी हैं? 42 हो गई हैं। कितनी हो गई इंडिया में? 42 हो गई हैं, 42। 2020 में रामसर अभिषय में शामिल भारत की 5 आदिभूमियाँ। 2020 में जो है भारत में 5 आर्द्रभूमि वेटलैंड शामिल हुई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। ये वेटलैंड भूमि है आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, कांवरताल बिहार में है, लोनार झील महाराष्ट्र में और सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। और 5वां है सोकर आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख में, इज इम्पोर्टेंट, सोकर आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख में है। ये 5 भूमि जो है वेटलैंड, ये किसमें? रामसर अब समय में शामिल की गई हैं 2020 में दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक जो रामसर साइट हैं वो हैं कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि कितने? 175 इस सूची में शामिल हैं। सबसे अधिक यूके में, कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम यूके में।
रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। कौन सा था? कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, सबसे पहले इस सूची में शामिल किया गया। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत का एकमात्र कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वेटलैंड स्थल है हरके बैराज। क्या है? हरके बैराज है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, तेंदुआ यानी कि लेपर्ड्स की गणना रिपोर्ट है 2018 की, तेंदुआ लेपर्ड गणना रिपोर्ट 2018, ये 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के द्वारा ये क्या किया गया, इसको रिपोर्ट इसको प्रकाशित किया गया। इस समय भारत में कुल तेंदुआ लेपर्ड की संख्या है 12,852, यानी कि 12,852 तेंदुए हैं, ठीक है। 2018 की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेंदुए दोस्तों मध्य प्रदेश में है, नंबर एक। सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पर है? मध्य प्रदेश 3,421, कर्नाटक में 1,783, यानी कि द्वितीय स्थान पर। महाराष्ट्र में 1,690 यानी कि तृतीय स्थान, और तमिलनाडु का चतुर्थ स्थान है। वहीं उत्तर प्रदेश में 316 के साथ दोस्तों पाँचवें नंबर पर है, और बिहार छठे नंबर पर दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो 2018 का तेंदुआ सेंसस दोस्तों, ठीक है। इवन 2014 और 18 के बीच तेंदुओं की आबादी में दोस्तों 60% की वृद्धि हुई है। कितनी? 60%। अगर क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए हैं। किसमें? मिडल इंडिया एंड पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए कितने? 8,071 तेंदुए देखे गए हैं दोस्तों। हम बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र यानी कि 2019 के आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट। देश में कुल मैंग्रोव यानी कि कच्छ वन 4,975 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 0.15% है। कितना? 0.15%। वहीं 2017 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 54 वर्ग किलोमीटर। अगर मैंग्रोव के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में, नंबर एक पर। द्वितीय स्थान पर गुजरात, और तृतीय स्थान पर अंडमान निकोबार, और चतुर्थ स्थान पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 616 के साथ, और नंबर चार पर आंध्र प्रदेश 404, और नंबर पाँच पर महाराष्ट्र 320 किलोमीटर के साथ। कुल मैंग्रोव वन से पश्चिम बंगाल अकेले 42.45% हिस्सा रखते हैं, यानी कि 42.45% कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि गुजरात में देखी गई, कहाँ हुई? 37 वर्ग किलोमीटर वृद्धि गुजरात में। और द्वितीय स्थान की वृद्धि हुई महाराष्ट्र, यानी कि 16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, कहाँ पर? महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की बात कर रहे हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो कि 16वीं थी जारी की, और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे क्या था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसके द्वारा जारी की गई थी। इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट टू, कौन सा? रिसोर्स सेट टू के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। किसका? रिसोर्स सेट टू का दोस्तों। FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, और पहली वन स्थिति रिपोर्ट दोस्तों 1987 में जारी की गई थी दोस्तों, ठीक है। अब देखो, देश में वनों एवं वृक्षों से कुल क्षेत्रफल यानी कि अगर बात करें वन और वृक्ष दोनों में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 24.56% है। वन आवरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी कि वन का आवरण जो है वो कितना है? 21.67%। वन आवरण क्षेत्र एवं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? वनावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 2.89% है, ठीक है दोस्तों। और ये वन आवरण क्षेत्र यानी कि ये वृक्ष क्षेत्र होगा 2.89%, और ये वन आवरण क्षेत्र, ठीक है, वनों का आवरण 61.67%। 2017 के आकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादन में कितनी वृद्धि हुई है? 0.65% की, यानी कि 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। वन आवरण में वृद्धि हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर की, ये वृक्षावरण है दोस्तों। वृक्षावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.89
8-9% यानी कि जिसमें वृक्ष आते हैं, पेड़ आते हैं। वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन है 4975 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है 54 वर्ग किलोमीटर की। कितनी? 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है कहाँ पर? मैंग्रोव में। अब देखो वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है ये देखो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है कर्नाटक में दोस्तों 1025 वर्ग किलोमीटर के साथ। दूसरे पर आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर के साथ। तीसरे नंबर पर है केरल 823 वर्ग किलोमीटर के साथ। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं बाई परसेंटेज या सॉरी बाई एरियाज, एरिया वाइज यह मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप इसको MAC के नाम से भी याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 77,482 है, अरुणाचल प्रदेश में 66,688 और छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य की बात करें। देखो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सर्वाधिक परसेंटेज वाइज है मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में, यानी कि इसको मैम के नाम से याद कर सकते हो। मिजोरम होगा 85.4 यानी कि 85.41%, अरुणाचल प्रदेश होगा 79.6 यानी कि 79.63% और मेघालय हो गया 76.33% के साथ। यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल प्रतिशत वाला राज्य है। अब देखो कुछ और फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। भारत में 62,466 स्क्वायर किलोमीटर आर्द्रभूमियाँ यानी देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्रभूमियाँ हैं। वेटलैंड का है सबसे ज़्यादा गुजरात में दोस्तों। भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक रहा है दोस्तों। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वन आवरण वाला प्रतिशत वाला क्षेत्र यह नंबर एक पर लक्षद्वीप, नंबर दो मिजोरम, नंबर तीन निकोबार। ये यूनियन टेरेटरी और राज्य दोनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में है, फिर निकोबार में दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूँ, पहुँचा पा रहा हूँ। अब देखो वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट यानी कि FAO के द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व में कुल वन क्षेत्र है 4.06 बिलियन हेक्टेयर। ये वर्ल्ड वाइज ग्लोबली संसाधन किया गया है, आकलन किया गया वन का। जो ग्लोबली देखा जाए वो कितना है, कुल भूमि का 31% है, 31%। वैश्विक औसत कितना, 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। और विश्व के कुल वन का अगर देखा जाए तो 45% उष्णकटिबंधीय वन है, यानी कि 45% उष्णकटिबंधीय वन है दोस्तों। वहीं 1990 और 2020 के बीच में 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल नष्ट हो गया है। कितना? 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्या हो गई है, नष्ट हो गई दोस्तों। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा UPPCS में। सबसे ज़्यादा है रूस में दोस्तों 815.3 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि अगर देखा जाए वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत में 20% है। वैश्विक ग्लोबली देखा जाए तो 20% है। ब्राज़ील में 12% के साथ दूसरे नंबर पर है और कनाडा तीसरे नंबर पर है 9% के साथ। वहीं भारत 72.1 मिलियन हेक्टेयर के साथ क्या है, वैश्विक वन क्षेत्र का सिर्फ 2% भारत में है, जो कि विश्व में 2/10 स्थान है, विश्व में 10वां स्थान है। रूस पहले नंबर पर, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कनाडा और 10वें नंबर पर है भारत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर कितने, 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया में। कहाँ पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं, जो विश्व का केवल 19% हिस्सा रखता है। कौन? इंडोनेशिया। कौन रखता है दोस्तों? इंडोनेशिया विश्व का कुल अकेले 19% हिस्सा रखता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की। इससे ऊपर लेपर्ड देखे थे हमने, उसके बाद 29 जुलाई 2019 को ये प्रकाशित हुई। भारत में बाघों की कुल संख्या 2,967 यानी कि 2,967। 2014 और 2018 के बीच में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई। कितनी? 33% बाघ यानी कि टाइगर बढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर यानी बाघ है मध्य प्रदेश 526 सबसे ज़्यादा है। नंबर दो पर कर्नाटक का 524 ऊपर से दूसरा स्थान, वहीं उत्तराखंड तीसरे स्थान पर 442 है और उत्तर प्रदेश में 173। ठीक है दोस्तों, तो इसको MKU बात कर सकते हो,
526, 524 और 442 के साथ। बिहार में 31, सुंदरबन 88, महाराष्ट्र चतुर्थ स्थान पर है दोस्तों, ना कि यूपी। महाराष्ट्र 312 के साथ चौथे स्थान पर है दोस्तों, यूपी को चौथा नहीं पाँचवा स्थान प्राप्त है। कितना? पाँचवा स्थान। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सुंदरबन में 88 बाघ हैं, देख सकते हैं आप। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ। ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश का सबसे ज़्यादा बाघ है 231। कहाँ पर? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। उत्तराखंड में कितने बाघ हैं? 442 टोटल। जहाँ सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, 231। देश के 50 बाघ अभयारण्य के 3 अभयारण्य हैं, 50 नहीं अब 52 हो गए दोस्तों। 3 अभयारण्य हैं, डंपा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य में से कोई बाघ नहीं बचा है। ऐसे 3 अभयारण्य हैं, डंपा, बुक्सा और पलामू, इन अभयारण्य में से दोस्तों कोई भी बाघ जीवित नहीं बचा है। भारत में कुल बाघ आबादी का 63% यानी 1923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं। कितने? 63% जो है 1923 जो है किस में रहते हैं? टाइगर रिजर्व में। वहीं विश्व के कुल बाघ आबादी का 70% बाघों में भारत में निवास कर सकते हैं। अगर विश्व में कुल आबादी को देखा जाए तो उनमें से सिर्फ 70% कहाँ पर हैं? इंडिया में दोस्तों। कहाँ पर? इंडिया में निवास करते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप मैं आपको अपनी बात रख पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। यह रिपोर्ट IQ एयर संस्था जो है, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन एयर संस्था स्विट्जरलैंड की है, उसके द्वारा जारी किया गया। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर हैं। विश्व के सबसे 30 प्रदूषित, सबसे ज़्यादा प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड सिटीज़ में से भारत के 22 शहर हैं दोस्तों। बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। विश्व की जो सबसे पॉल्यूटेड राष्ट्रीय राजधानी है वो दिल्ली का प्रथम स्थान है। किसका? दिल्ली का। सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान 10वां है। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तब दिल्ली का पहला स्थान है, ओवरऑल देखें तो 10वां स्थान है। वहीं गाजियाबाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPPCS, विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। कौन सा दोस्तों? गाजियाबाद। सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान है होतान। प्रदूषित अगर बात करें पॉल्यूटेड सिटी में सबसे वह होतान। होतान जो है चीन का एक शहर है दोस्तों, चाइना का शहर है होतान, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और सबसे प्रदूषित देश में प्रथम स्थान है बांग्लादेश का। भारत का स्थान कितना है? तीसरा। यानी कि अगर देश वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित बांग्लादेश है, तीसरा स्थान भारत का है। सबसे कम प्रदूषित देशों में है प्यूर्टो रिको। कौन सा दोस्तों? प्यूर्टो रिको। और यह रिपोर्ट IQAR संस्था स्विट्जरलैंड की है, उसके द्वारा जारी की गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टू द पॉइंट। देखो जनवरी 2021 से जून 2021 तक देखते हैं, टू द पॉइंट बता रहे हैं ये। देखो नवंबर 2021 में ठीक है, COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इम्पोर्टेंट है ये, ग्लासगो यानी कि यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में किया जाएगा। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया? ये किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE ने। इस रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए। किसकी? गरीबी की चपेट में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बताया कि भैया 115 मिलियन लोग गरीब हो चुके हैं। वहीं 500 मिलियन से अधिक बच्चों को COVID-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा। कितने? 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ के आसपास। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टू द पॉइंट चल रहे हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया? ये केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021। वहीं भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? विंड एनर्जी की 2021 से 2025 तक भारत 20 गीगावाट यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसलिंग की रिपोर्ट के अनुसार वो 20 गीगावाट क्षमता हासिल कर लेगा 2025 तक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 नेशनल फिल्म अवार्ड की बात हो रही है। पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ये थी वाटर बरियल पुरस्कार फिल्म है, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला।
जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117वां है। जून 2021 में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत का कितना स्थान है, 117वां दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट समझो, ये जो रैंकिंग है संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर तैयार किया गया है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। कहाँ पर, पुणे में दोस्तों, E100 एथेनॉल। जून 2021 में असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा है, देहंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। देहंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य 7वां नेशनल पार्क है असम का दोस्तों। इससे पहले 5 और नेशनल पार्क हैं, मैं बता देता हूँ आपको, 6 नेशनल पार्क इससे पहले बता देता हूँ दोस्तों। दियांग पटकाई और रायमोना को नया बनाया गया, रायनोमा 6ठा है। उससे पहले काजीरंगा नंबर 1, मानस नंबर 2, डिब्रू सखोवा 3 नंबर पर है, नामेरी 4थे नंबर पर एंड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क 5वें नंबर पर है दोस्तों। ठीक है, तो ये 7 नेशनल पार्क हो गए देहंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर दोस्तों। और सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे लार्जेस्ट पार्क असम है, असम का सबसे लार्जेस्ट पार्क है, नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो 430 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो 1904 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में लाया गया, 1985 में लेके आया गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे, 5 जून 2021 को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था, रायमोना। विश्व पर्यावरण दिवस के 2 दिन के दिन घोषित किया गया था 5 जून को रायमोना, मैंने बताया रायमोना। ठीक है, अब अगर हम बात करें जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है, सबसे ज़्यादा तितलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों कोलंबिया, कहाँ पर, कोलंबिया में पाई जाती हैं, कहाँ पर, कोलंबिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, उड़ीसा, यानी कि 3 प्रजातियाँ होती हैं मगरमच्छ की, वो कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में। किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की थी, यूनेस्को की एक समिति थी, उन्होंने कहा था ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डाल दो भाई। ठीक है, हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास के समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया है, यह है लक्षद्वीप। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत का पहला पराग कर्ण पार्क पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया, पराग कर्ण यानी कि पॉलिनेटर पार्क खोला गया उत्तराखंड में दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है, नई दिल्ली में, कहाँ रखी है, नई दिल्ली में। इसकी थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा, यह ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक, थैला बैंक की शुरुआत की है, लखनऊ नगर निगम ने, किसने, लखनऊ नगर निगम ने दोस्तों। ठीक है, वहीं पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी साहब ने दोस्तों। पक्षी महोत्सव क्लब के कारण खबरों में आई, कौन सी खबरों में आई, नागी नगटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में, इट्स इम्पोर्टेंट, पक्षी महोत्सव क्लब के कारण खबरों में आई नागी नगटी बर्ड सेंचुरी दोस्तों बिहार में है, किसमें, बिहार। किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया, ग्रीन टैक्स लगाया सड़क परिवहन मंत्रालय ने, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में। समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता, यह थियोडोर बस्कर ने, थियोडोर बस्कर ने यह अवार्ड जीता है दोस्तों। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के शहर को चुना गया, हैदराबाद। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट, हैदराबाद को चुना गया दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया, अटल पर्यावरण भवन का, लक्षद्वीप में दोस्तों। अस्पताल खां एवं प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया, ये खोला गया गोरखपुर में दोस्तों, किस में खोला गया, गोरखपुर में दोस्तों।
अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र में। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाली व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? क्या इकोसाइड बिल लेके आए हैं? कहाँ पर? फ्रांस में। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फ्रांस में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 जनवरी 2021 की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 1901 के पश्चात आठवां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। भारतीय मौसम विभाग के 5 जनवरी 2021 के विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 1901 के पश्चात आठवां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व मौसम संगठन के जनवरी 2021 में तो बताया मैंने तीसरा सर्वाधिक, WMO के अकॉर्डिंग तीसरा, IMD के अकॉर्डिंग आठवां। वहीं डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दोस्तों। आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। देखो दोस्तों, ये वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं 100% मिल जाएंगे। सो प्लीज़ इनको 2 से 3 बार रिवाइज करके जाइएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप कमेंट और शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एंगेजमेंट नहीं मिलेगा हमें और हमारा मोरल थोड़ा सा डाउन तो होगा ही दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना सा तो कर ही सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, किसका? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का सुपर वर्ष, सुपर ईयर घोषित किया गया 2020 को। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला अहम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। किसमें? उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के। वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया है 2020-25 के लिए दोस्तों। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वैधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई। उत्तराखंड के मनुस्यारी में भारत का प्रथम लाइकिन पार्क को स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम लाइकिन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड के मनुस्यारी में दोस्तों। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। किसमें? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। 18 में से दोस्तों 12 को, किसमें? 12 को सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में सिर्फ 12 हैं 18 में से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट समझो। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय नए नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को चयन किया। नगर वन योजना दोस्तों कहाँ से? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी वहाँ से चलाई जाएगी। वर्ष 2021-2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया। 2021-2030 क्या है? संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक दोस्तों। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 की बात करें, LPR 2020 की, ये किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया? ये किस संस्था द्वारा किया गया? ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF द्वारा क्या किया गया? रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 से 2016 तक स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृप और मछलियों की आबादी में 68% की गिरावट देखी गई। 68% की गिरावट देखी गई। भारत की लगभग 1/3 आर्द्र भूमियाँ लुप्त हो चुकी हैं और विश्व में क्या है दोस्तों? विश्व में 85% से अधिक आर्द्र भूमियाँ भी लुप्त हो चुकी हैं। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग विश्व में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक भारत में है। तो जैविक किसानों को देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है? द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में। किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को आरंभ किया? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने यानी कि अर्थ मिनिस्ट्री ने। विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा। इसकी टैगलाइन थी, वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो और जब भी हो। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ? यह था दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच में। किस किसके दोस्तों? ये हुआ जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। वर्ष 2021-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? नीति आयोग। किसने?
नीति आयोग ने बाल प्रबंधन नीति पर दोस्तों वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, कौन सा 2023। इससे इम्पोर्टेंट दोस्तों यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021-26 किसके द्वारा जारी किया गया, ये किया गया पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत देश है, कौन सा तीसरा। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी, भूतापीय क्षेत्र विकास योजना की योजना लेह लद्दाख में। कहाँ पर भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से UNEP ने सम्मानित किया, किसने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया, हैदराबाद, इंपोर्टेंट है दोस्तों। विकासशील देशों में जलवायु क्षति को सीमित करने के लिए अनुकूल अंतराल रिपोर्ट को 5वां संस्करण किसने जारी किया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 किसने मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, नीदरलैंड की। जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 नीदरलैंड की मेजबानी में क्या की गई, वर्चुअल रूप से मेजबानी में क्या की गई, जारी की गई दोस्तों। ठीक है, आप समझो दोस्तों इंपोर्टेंट है भारत में, ये देखो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ तक रखने देते हैं वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में आई चर्चित तूफान एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है, सो हम नेक्स्ट वीडियो से इस पर क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से बनाएंगे इस पर एक क्वेश्चन भारत में आई चर्चित तूफानों पर। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा आप और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप प्लीज़ हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड कीप वॉचिंग।